सब्सक्राइब करते हैं आप लोग को जिन्होंने हमारे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम इसी तरह बज बजे की वीडियो लेके आते रहते हैं, गाने बजाने वाले सब कुछ लेके आते हैं। और आज हम जो रिएक्शन लेके आए वो बहुत ही अलग टाइप का रिएक्शन है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं ना वजीर आजम, उनकी उनकी बातें करेंगे आज हम। उन जो इंडिया के तासरात क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे आज, उसको देखेंगे क्या वो कहते हैं हमारे बारे में और क्या लोग इंडियंस जो हैं हमारे बारे में क्या। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो भी है देखते हैं। आज का जो वीडियो का टाइटल है वो मैं आपको बता दूँ क्या है। आज का जो वीडियो का टाइटल है ना वो ये है, कहाँ गया टाइटल, बे यार कुछ इंडिया में है, पाकिस्तानी न्यू मैप कम्युनिकेशन कंट्रोल वर्स इमरान खान आर जे रौनक जी की बातें हैं। तो सुनते हैं क्या है रौनक जी की बातें। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इसी तरह के बड़े बड़े से रिएक्शन लेके आते रहेंगे और क्या देखते हैं क्या इमरान रौनक जी ने इमरान खान के बारे में क्या क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, अच्छा कहा है या बुरा कहा है। अब ये वीडियो देख के ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो प्लीज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो कि बाकी लोगों को भी पता चले कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मार्केट में। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम जरा स्टार्ट दिस वीडियो नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंतंत्र। पाकिस्तान के साथ पिछले 73 साल से अमन का तमाशा, अमन की आशा हर रोज नए गुल खिला रही है। चार बार आमने सामने की लड़ाई की खाने के बाद, आतंकियों को पाल पोस के पेड़ लगाने के बाद, इस बार उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से काम किया है। उन्होंने एक पेन उठाया, एक कागज उठाया और एक नया नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में उन्होंने हमारे कश्मीर और जूनागढ़ को भी अपना दिखाया। क्या है? अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश को उन्होंने अलग ही मुल्क माना है, वरना उसको भी ईस्ट पाकिस्तान बता ही सकते थे क्योंकि बखलोली में कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है। खैर, पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने जवाब दिया है और कहा है कि इससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं सॉरी, एक्चुअली भारत ने यह कहा है कि बेतुकी फर्जी बात है, छोटा मोटा आदमी है, अपने घर में गुंडाई करना चाहता है तो करने दो। ये नक्शा क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, किस वजह से बनाया गया, इसको तो हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि क्या आपने हमारा दूसरा वाला चैनल यानी आरजे रौनक नोपो सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर आजकल बउआ भाई पिक्चर वालों के, मूवी वालों के, बॉलीवुड वालों के अलग मजे ले रहे हैं। जल्दी इसी क्रिकेट को लेकर एक धमाल शुरू होने वाला है क्योंकि आईपीएल चालू होने वाला है। सॉरी, ये मुंह से साउंड इसलिए निकला क्योंकि कॉपीराइट का अलग से चूरन ना आ जाए। खैर, वापस से पाकिस्तान पर लौटते हैं। और ये पाकिस्तान ने नक्शा बनाया, किसके लिए बनाया और किस वजह से बनाया, ये तो नक्शा परंपरा नहीं है यार। अभी आपने खबर सुनी होगी कि सऊदी ने पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांगा है। मांगा तो चीन ने भी है लेकिन उसको कर्जा ना कहकर ब्याज कहा है। जी, अमेरिका से मदद मिल नहीं रही है। और आप जानते हैं इस आदमी का हाल भी आज के इमरान खान से बेहतर था। आइए तो समझ लेते हैं इस गणित को, इस कैलकुलेशन को, कि पाकिस्तान नाखून कटा के शहीद होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब पाकिस्तान पर लगभग 24.2 ट्रिलियन का कर्ज था। पिछले साल फरवरी में इमरान खान ने कसम खाई थी कि वो इस कर्जे को घटाकर 20 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, पर हिम्मत मर्दा तो मददे होदा, जो होना था वही हुआ। अब वो कर्जा बढ़ करके 34.5 ट्रिलियन हो गया है, मतलब सीधे लगभग 44% का जंप कर्जे में। लेकिन हाँ, हैंडसम पीएम बस यही कहेंगे कि हमने घबराना नहीं है, संयम बोलता है। अब जब सऊदी ये देख रहा है कि सामने वाली पार्टी डूबे जा रही है और सिर्फ डूब नहीं रही है बल्कि गड्ढा खोद के खुद ही के ऊपर मिट्टी भी डाल रही है तो अपने पैसे तो वापस ले गए। ऊपर से पाकिस्तान जाके मिल गया टर्की और मलेशिया से। सऊदी के पैरेलल टर्की को खड़ा करने वाला बवाल आपको पता है, ये नहीं पता तो पढ़ लो। मतलब घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने शायद इसी को कहा गया, इसलिए सऊदी ने अपने पैसे वापस मांगे। कप्तान ने पूरी गैरत दिखाई, गुस्से में अपनी तिजोरी खोली, तिजोरी में से निकला कटोरा और फैला दिया चीन के आगे। चीन अब काफी जमीन पहले गिरवी रखवा चुका है, काफी कर्जा पहले ही लाद चुका है, 1 बिलियन और सही, ये सोच के चीन ने भी कटोरे में माल डाल दिया। पाकिस्तान ने वही पैसा सऊदी को आगे बढ़ा दिया, मतलब गोलमाल है भाई सब। अगेन म्यूजिक, मुंह से कॉपीराइट चूरन। आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसा नहीं है ना कि चीन से उधार लेके सऊदी को पैसा लौटा देने से पाकिस्तान की दिक्कतें दूर हो गई, बल्कि अभी तो $3 बिलियन के कर्जे का मात्र $1 बिलियन ही दिया है और बाकी मुल्क का हाल तो गवर्नमेंट आंटी पहले ही बता चुकी है, ये एक नंबर के सॉरी। तो ऐसे में अपने देश की जनता को उलझाए रखने के लिए यह नकली नक्शा पास कर दिया पाकिस्तान ने। वैसे चीन की कॉलोनी बनने की तरफ अग्रसर पाकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने चीन के इशारे पर नया नक्शा पास करने वाली हरकत की है, इससे पहले भी है। एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान की इस हरकत से इसलिए भी दुखी है क्योंकि बेटा कितना भी नालायक हो लेकिन एक लॉलीपॉप के लिए वो बार बार बाप बदलता रहे तो असली बाप को तो दुख होता ही है ना भाई साहब। गलत बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट भी करके जरूर बताइएगा, बाकी चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना है, अपना ख्याल रखना है, नमस्कार, जय हिंद। यार ये बात गलत है, क्या हो गया ये? यार ये इमरान खान जो है ना बहुत अच्छा बंदा है, इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ही अच्छा काम कर रहा है इमरान खान, और हमें उम्मीद है कि इमरान खान कुछ कर जाएगा। लेकिन जो है इंडिया इंडिया वालों को क्या हो गया यार, किसी बातें कर रहे हो तुम हमारे बारे में? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और जाली नक्शा तो नहीं है, ये पुराना ही नक्शा है हमारा जो पहले भी था हमारे पास और अभी भी यही वही है, और शायद मुझे लगता है कुछ तब्दीली हुई हो कुछ या नहीं हुई हो पता नहीं है, फिर भी हमें तो सियासत के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन ये जो लोग हैं ना बस ऐसे जो लोग होते हैं ना बस ये तो दिहाड़े पता थे, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, हमें हम सब जैसे कि भाई हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हम दोस्त पसंद लोग हैं ना, हम लोग जो है क्या बोलूँ मैं, जब भी मैं इस टॉपिक की वीडियो करते ही हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक पे, नेगेटिव ही जाता है यार। अगर कुछ नहीं बोल सकता, पाकिस्तान की बुराई मैं सुन नहीं सकता, और बस अच्छा था जो भी था, और कॉमेडी अच्छी थी इनकी और इनकी बातें अच्छी थी, और जितना न्यूज़ ने बताया है उतना ही जो न्यूज़ ने बताया जो गूगल ने बताया वो इन्होंने रीड कर दिया यहाँ पे, और अपनी तरफ से नॉलेज नहीं है थोड़ी सी भी, और जो है जो मीडिया पे दिखता है वही होता है यार, जो वही जनता जानती है और वही छाप देती है। लेकिन जो आप ग्लोबल देखें हमारे पाकिस्तान का नक्शा देखें तो बहुत खूबसूरत है, और बहुत खूबसूरत नक्शा दिया, वैसे ही नक्शा है जैसे पहले था, और हमारी किताबों में भी ऐसे ही छपा हुआ है अभी भी। तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।